लॉन्ग टर्म शेयर्स में, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करते हैं ताकि आपको प्रत्येक वीडियो की सूचना मिल जाया करे। और आज हम रिलायंस इंडस्ट्री के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं कुछ और कहना चाहता हूँ कि दो चीज़ें हैं मार्केट में, जैसे कि लगातार आपको कई हफ्तों से बजट के बाद से लगातार गिरावट ही है हमारे बाज़ार में, तो ऐसे में आपका ही नहीं म्यूचुअल फंड्स का, जितने बड़े बड़े दिग्गज हैं सभी का पैसा फंस जाता है जब मार्केट में होता है, जब गिरावट आती है। तो ऐसे समय में पेशेंस, धैर्य का परिचय दें और जो माइक्रो कैप कंपनीज होती हैं उन पे ज़्यादा ही मार पड़ती है और वो टूट जाती है पूरी तरह, लेकिन जब बाज़ार में एक अच्छा माहौल बनता है, जब बाइंग शुरू होती है, जब ऊपर की ओर जाता है, तो यही छोटी कंपनियां, माइक्रो कैप कंपनियां अगर फंडामेंटली अच्छी हैं, मैनेजमेंट वाइज अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली ये भागने में भी नंबर वन रहती हैं, सबसे तेज़ भागती भी हैं। हाँ, दिग्गज कंपनियां जैसे कि बड़ी बड़ी कंपनियां रिलायंस इंडस्ट्री या फिर और भी हैं निफ्टी 50 की जो कंपनियां हैं, लार्ज कैप कंपनियां हैं, उन पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता, वो भी टूटती हैं। और भी कई सारी कंपनियां ज़बरदस्त अच्छे भाव पे गिरकर मिल रही हैं। तो जैसा कि मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि हर वीडियो में कहता हूँ कि कभी भी पूरा पैसा किसी भी स्टॉक या सेक्टर में ना लगाएं, हमेशा बचा के रहें, कि मार्केट का कुछ पता नहीं। अब देखिए 37,000 टच करने को है सेंसेक्स, तो कितनी गिरावट आ गई, 40,000 के आसपास रहने वाला अभी सीधे 2-3,000 के आसपास नीचे लगातार इसमें कमी आ गई है। तो इस तरीके से मार्केट है, कुछ कहा नहीं जा सकता, किसी स्टॉक के बारे में नहीं बोल सकते, किसी कंपनी के बारे में नहीं जानते आप, हमें नहीं पता कि इनका रिजल्ट्स कैसे आने वाला है, इनका मैनेजमेंट कैसा है। हाँ, उनकी हम पिछली जो परफॉर्मेंस होती है वो देखने के बाद ही हम कुछ कह पाते हैं। तो चलिए एक अच्छी कंपनी के बारे में फिर से मैं एक चर्चा करूँगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, ऐसा भी जैसे देखिए बहुत सारे वीडियोज़ होते हैं जिसमें मैं रिकमेंडेशन देने की कोशिश करता हूँ कि कुछ स्टॉक ले लीजिए। होता क्या है कि जैसा कि मेरे चैनल का नाम ही है लॉन्ग टर्म शेयर्स, मतलब 3 साल 5 साल 10 साल, इन सब के लिए अच्छी कंपनियों को मैं बताने की कोशिश करता हूँ। तो अगर किसी ने थंबनेल देख के या पूरा वीडियो नहीं देखा, क्योंकि वीडियो में थंबनेल देख के पूरा अगर वीडियो नहीं देखा और आपने कोई माल उठा लिया है तो आपका नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि अंदर मैंने क्या बताया देखना पड़ेगा, अंदर कौन से रिजल्ट्स बता रहा हूँ। तो इस वजह से अगर मान लीजिए कोई अच्छी कंपनी भी है उसमें बाइंग की रिकमेंडेशन भी अगर दी जाती है, तो उसमें दो चीज़ें होती हैं कि एक लंबे समय के लिए अगर बताया गया और एक महीने के अंदर उसमें गिरावट आ गई तो घबराना नहीं चाहिए, है ना। उसमें आपको, आपका लंबा पॉइंट ऑफ व्यू रहा तो आपको वेट करना चाहिए। हाँ, ऐसी कोई दिक्कत आती है शॉर्ट टर्म कि रिजल्ट नहीं अच्छे आ रहे हैं या कोई स्कैम हो गया, तो वो सबको पता चलता है, हम भी मार्केट में हैं, उसकी न्यूज़ भी देते रहते हैं अपने स्टॉक्स में, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। तो बढ़ते हैं आगे की ओर, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, और जो आज प्राइस ट्रेड हो रहा है 22 जुलाई 2019 को 11:54 पे 1,262 रुपये की अपसाइड है, जबकि मार्केट में ज़बरदस्त गिरावट है और इसका अभी ग्रीन पे निशान है, अच्छी बात है। जो साल का लो बनाया था 1016 और हाई 1470, तो अभी हाई से काफ़ी नीचे के भाव पे मिल रहा है, तो मुझे लगता है रिजल्ट्स अच्छे आए हैं और इस वजह से इसमें आगे भी अच्छी बढ़त देखने को मिलेगी स्टॉक प्राइस में। और हाँ, ये देखिए ऐसी कंपनियां आपको कभी लॉस नहीं करती हैं, और देखिए हर साल बढ़िया डिविडेंड देती है, डिविडेंड देने के साथ अभी यहाँ पे बोनस भी दिया था इसने 7 सितंबर 2017 को, तो कंपनी बोनस भी देती है। और धीरे धीरे जिस हिसाब से पैटर्न है, एक दिग्गज कंपनी। अच्छा, दो डिफरेंस मैं बता दूँ कि मुकेश अंबानी साहब की कंपनी और अनिल अंबानी साहब की कंपनी बहुत ही डिफरेंस है। जैसे कि ADAG ग्रुप अनिल अंबानी साहब की कंपनी है और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है। तो दो भाइयों में आपको भी पता है कि किनका मैनेजमेंट अच्छा है, कौन सी कंपनियां डूबी हुई हैं, तो कौन उनके मैनेजमेंट में है। तो मुकेश अंबानी साहब की जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है, जो रिफाइनरी का बहुत बड़ा कारोबार है, प्लस जियो भी इन्हीं के पास है, और भी ऑनलाइन मार्केटिंग में भी ये घुस रहे हैं, शॉपिंग वगैरह की, ई रिटेल में, तो आने वाले समय में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ी कंपनी हो जाएगी, क्योंकि डाइवर्सिफाई कंपनी है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि आरकॉम जो थी ADAG ग्रुप की, उसके लिए एक सुनहरा अवसर था 10 सालों का, जब तक जियो नहीं आया था, तो किसी अनुबंध के कारण जियो को नहीं लॉन्च किया जा सकता था, क्योंकि आरकॉम ऑलरेडी थी,
जब दो भाइयों में सेपरेशन हुआ था, इंडस्ट्रीज़ का बंटवारा हुआ था, तो आरकॉम अनिल भाई के पास गया और बाकी इनके पास गया, तो ऐसे बहुत सारी कंपनियों का बंटवारा हुआ था। उन्हीं में से अगर मोबाइल इंडस्ट्री को ले लिया जाए, टेलीकॉम इंडस्ट्री को ले लिया जाए, तो जियो अब आया है और अभी नंबर वन बन गया है। और आरकॉम जो सोने की खान था एक समय में, तो संभवतः इन्होंने कमाई की होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कभी इतनी कमाई की हो या फिर जिस हिसाब से कंपनी थी। तो बड़ा फ़र्क होता है मैनेजमेंट को लेके। तो बढ़ते हैं हम, देखिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे अभी जो मार्केट कैप दिखा रहा है 8,308 करोड़ का, नंबर वन कंपनी देश की, बहुत बड़ी कंपनी है। और अर्निंग पर शेयर 62, पी रेशियो 20 की, और बुक वैल्यू 624, प्राइस टू बुक है 2.02, फेस वैल्यू अभी भी देखिए 10 की है, और डिलीवरी है 47% के आसपास, इंडस्ट्री पी है 16 की, जबकि पी है इसका 20 का। तो इसके हम क्वार्टरली और एनुअल रिजल्ट्स भी देखेंगे। देखिए जून 18 से अगर जून 19 ईयर ऑन ईयर कंसोलिडेटेड अगर हम देखते हैं इनके रिजल्ट्स, तो नेट सेल्स जहाँ 141,699 करोड़ की थी जून 18 में, वहीं जून 19 में हो गई 172,956 करोड़ की, जो कि 22.06% की ज़बरदस्त अपसाइड है नेट सेल्स में। वहीं पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी यहाँ 3.17% की अपसाइड है, और इंटरेस्ट थोड़ा सा बढ़ा है इनका। नेट प्रॉफिट देखिए जहाँ जून 18 में था 9,459 करोड़ का, वहीं जून 19 में हो गया 10,104 करोड़ की, यानी 6.82% की अपसाइड है ईयर ऑन ईयर। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे 2.26% की थोड़ी सी डाउनसाइड है। और अगर हम क्वार्टरली देखते हैं मार्च 19 से जून 19 में, तो अगेन यहाँ पे जो नेट सेल्स में 12.23% की अपसाइड है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 2.32% की अपसाइड है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 2.49% की थोड़ी सी डाउनसाइड है, और यहाँ पे मार्जिन में भी 1.19% की डाउनसाइड है। तो इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद कंटिन्यूअस अपने नेट सेल्स को मेंटेन करना, अपने प्रॉफिट को मेंटेन करना बहुत बड़ी बात है। इतनी इंडस्ट्रीज़ हैं, इतने बिजनेसेस हैं इनके, इतने व्यापार हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कि अगर हम समझने जाएंगे तो 5-6 महीने लग जाएंगे। तो बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन मैनेजमेंट, देश की दिग्गज कंपनी, प्रमोटर्स के पास है 47.27% की होल्डिंग है, और कोई भी शेयर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड्स 93 हैं ज़बरदस्त, और 1,198 FIIs हैं, और इंडिविजुअल्स हैं 8.99, और देखिए हमारी आपकी चहेती LIC भी यहाँ पे है 6.81% की ज़बरदस्त होल्डिंग है इनके पास में। तो बेहतरीन कंपनी, और Ajio.com भी इन्हीं का है, और रिफाइनरी दुनिया की, ऑपरेटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिफाइनरी उनके पास है, जो क्रूड ऑयल लेते हैं, फिर उसको फिल्टर करके अलग अलग गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब में जो है ये कंपनी यही काम करती है। और इस तरीके से बेहतरीन कंपनी के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और उस हिसाब से इसके स्टॉक प्राइस भी ऊपर की तरफ अभी दिख रहा है। अगर एक साल के हम रिटर्न देखते हैं तो 14.26% दे चुका है, और 6 मंथ में भी 2% के आसपास के रिटर्न हैं यहाँ पे। तो बेहतरीन कंपनी, और अगर हाँ अगर हम 10 सालों के रिटर्न देखते हैं यहाँ पे, तो 10 सालों में देखिए 155% के रिटर्न है, 5 सालों में 144% के, 4 सालों में 140 के, और 3 सालों में 148% के पॉजिटिव, 2 ईयर्स में 59, और 1 ईयर में 12% के आसपास, ईयर टिल डेट भी करीब 12.56%, 6 मंथ में भी 2.20%, लेकिन 1 महीने और 1 वीक में थोड़ी सी जो है डाउनसाइड है, लेकिन 1 डे यानी आज अपसाइड है, क्योंकि रिजल्ट्स आए हुए हैं इनके शानदार, तो इस वजह से स्टॉक प्राइस आज पॉजिटिव है। तो बेहतरीन कंपनी है दोस्तों। अब ऐसी कंपनियों में कौन लेते, देखिए एक तो बड़े बड़ा प्राइस का स्टॉक है, 1,261 रुपये इसका जो भाव है, तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो थोड़ा सा बचते हैं, उनको अट्रैक्ट करता है छोटी प्राइस का स्टॉक, और अगर अच्छी कंपनी तो उसमें ज़्यादा खरीदारी वो करते हैं। तो अगर हम माइक्रो कैप कंपनीज़ में जाते हैं तो हमें उस हिसाब से पेशेंस भी रखना चाहिए। अगर हम रिलायंस जैसी कंपनियों को लेते हैं तो ये सेफ़ है, इसको आप लेके आप सुकून की नींद सो सकते हैं, कम रिटर्न आएगा, लेकिन डिविडेंड के माध्यम से, बोनस के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं से अपने जो निवेशकों को ये कंपनियाँ कमवाती रहती हैं,
तो इस प्रकार से ऐसे स्टॉक्स भी अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए। होता क्या है कि अगर हम अपने पोर्टफोलियो में 10 प्रकार के स्टॉक रखें और 10 सेक्टर के रखते हैं, बैंक हो गया, मान लीजिए एक्सपोर्ट की कंपनियां हो गई, केमिकल्स की कंपनियां हो गई और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियां हो गई, आईटी सेक्टर की हो गई, तो अलग अलग अगर हम रखते हैं, तो अगर मान लीजिए किसी कारणवश हमारे 5 स्टॉक्स ने हमें लॉस किया लेकिन 5 ने ज़बरदस्त प्रॉफिट कमाया, तो क्या हमारा पोर्टफोलियो अच्छा बन जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, तो हमें प्रॉफिट में ही रहते हैं। लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर एक स्टॉक, 2 स्टॉक या एक ही सेक्टर में हमने कई स्टॉक ले रखे हैं और उसमें ज़बरदस्त गिरावट आई, तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो लॉस में दिखाता है। इसलिए हमेशा जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट 8-10 स्टॉक रखें और उसमें हमेशा जिस स्टॉक में गिरावट आए अच्छी कंपनी के स्टॉक्स रखें। मैंने पोर्टफोलियो बनाया था 1 लाख का, फिर मैं बनाऊंगा भविष्य में जल्द ही, तो आप हमेशा हर गिरावट में ख़रीदते रहें। और रिलायंस जैसी कंपनी के चाहे तो अभी थोड़ी थोड़ी बाइंग की जा सकती है, क्योंकि अभी नीचे के लेवल पे अपने हाई से काफ़ी नीचे है और मुझे लगता है रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं, तो अभी ऊपर जाने की संभावना है। अगर कहीं बाजार ऊपर की तरफ रुख लेता है जब भी, तो इसमें और भी प्रॉफिट बुक करने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।